हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, और क्यों नहीं डाला था इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए आज देख लेते हैं। आज हम लोग श्याम बाबा बना रहे हैं खाटू श्याम। ये देखिए, फेस मैं बना करके पहले से रखा हूँ और इसका वीडियो करना मैं भूल गया। इसको मैं डाई से बनाऊँ, फेस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊँगा, और डाई कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊँगा। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से क्ले का मड क्ले है ये, इसका मैंने इस तरह से एक ट्रायंगल शेप में हल्का ट्रायंगल कर्व करके बनाया है, और इस तरह से इसमें लेयर्स दे दिए हैं। इसके बाद आपके पास जो भी क्ले टूल है आप उसका यूज़ करेंगे। मेरे पास तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, कैसे नहीं वो भी बताता हूँ, मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। ये पेंसिल है, पेंसिल का यूज़ करके मैंने इसको बनाया है। इस तरह से लाइंस कर दिया है, और जहाँ भी आपको थोड़ा सा छोटा बड़ा लगे एडजस्ट कर लीजिए, वहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए और उसको पानी की सहायता से स्मूथ कर लीजिए। और ये जो स्टैंड है मैंने मोल्डेड से बनाया है, जो वाइट कलर का स्टैंड जिसमें मैं इसको लगाऊंगा, इसको मैंने मोल्डेड से बनाया। मैं थोड़ा ही इसको मोल्डेड से बनाना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मोल्डेड ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा मोल्डेड स्टैंड के लिए बनाया हूँ। उसमें एक कील लगा दिया हूँ। उसके बाद ये जो मैंने एक बाबा श्याम का जो ड्रेस बनाया है, इसको हम वहाँ पे ग्लू का हेल्प लेकर के चिपका देंगे। देखिए, पहले हम इसको अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। आप ब्रश वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ब्रश है तो। हमारे पास अभी नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले मेरे घर में चोरी हो गई, जिसमें मेरा मोबाइल भी चला गया, जिसमें मैंने कुछ वीडियो बना कर रखे थे, जो मैं माँ मनसा का जो आपको आइडल दिया था उसका मैं कलरिंग नहीं दिखा पाया हूँ। उसका वीडियो भी मैंने उसी मोबाइल में किया था, और साथ में कुछ ब्रशेस, पेंट ब्रशेस वगैरह भी चोरी हो गए, घर की कुछ चीज़ें भी चोरी हो गई। तो इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें का नुकसान हो गया मेरा, इसलिए नहीं कर पाया। अब ये देखिए, मोल्डेड के बेस पे मैंने ये चिपका दिया है, बाबा श्याम का सीसीस में लगा दिया है। अब इसको हम लोग कलर कर रहे हैं, वाइट कलर कर दिए हैं, फिर उसके बाद ब्लैक से आउटलाइन दे दिया जहाँ जहाँ ब्लैक की ज़रूरत होगी। अब है ना, जो इनका ड्रेस है उसको मैं ब्लू कलर से कलर कर रहा हूँ। आप जो भी कलर करना चाहें कर सकते हैं, मेरे पास ब्लू कलर है तो मैं ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये ब्रशेस और कलर्स मैंने स्टूडेंट से बोरो किया है आज के लिए, ताकि मैं इसको कलर कर सकूँ। और ये मैं कलर कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। मैं वापस से सारा जो भी मेरा चीज़ खोया है वो ले लूँगा। अभी मेरे पास नहीं है तो ये मैं स्टूडेंट्स का कैरी किया हूँ। इसको मैं कलर कर रहा हूँ इस तरीके से, इसको पूरा ही ब्लू कलर कर देंगे। आप जो इसमें लेस वगैरह लगा करके अच्छे से डिज़ाइन करेंगे वो भी मैं दिखाऊँगा। और स्किन कलर नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाइट में ऑरेंज कलर मिक्स किया, जिससे ये स्किन कलर बन गया है। इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से एकदम आउटलाइंस जो ब्लैक है वहाँ तक नहीं जाना चाहिए, फेस में ही कलर करेंगे, सिर्फ फेस में कलर करेंगे। आईज़ को लिए जगह छोड़ देंगे, लिप्स के लिए जगह छोड़ देंगे, नेक में करेंगे। तो ये सबको अच्छे से कलर कर लेना है। जैसे देखिए वीडियो में, आपको अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा स्लो कर ले। और काफ़ी दिन हो गए मोबाइल चलाए हुए, तो मैं एडिटिंग भी भूल गया हूँ, तो इसके लिए भी थोड़ा मुझे समय लगेगा। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारा स्टेप्स मैं भूल गया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, बनाया तो हूँ, लेकिन एक हाथ से वीडियो बनाना और फिर एक हाथ से बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। जैसा कि मैंने पता, मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट चोरी हो गए कुछ, तो इसीलिए बड़ा दिक्कत हो रहा है। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं ले लूँगा। और ये मैं वाइट से बना दिया हूँ आईज़, और फिर उसके बाद ब्लैक से जो आई का आउटलाइन होता है वो कर दूँगा। देखिए कुछ इस तरीके से, पहले मैंने वाइट का दिया है कलर को, और उसके बाद जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईज़ में ही कोई भी आइडल का जो ब्यूटी होता है, खूबसूरती होता है, वो आईज़ में ही होता है। तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समय ले करके बनाएं उसको। और ये मैं अच्छे से इसको बना रहा हूँ इस तरह से। देखिए वाइट कलर दे दिया मैंने, वाइट कलर से बाबा का टीका भी लगा लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, मेरा विश्वास बाबा श्याम पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, चोरी भी हो गई थी, और जब से मैं बाबा के शरण में गया हूँ तो
सब कुछ लाइन का आना शुरू हो गया। तो इसी सोच में मैंने ये बाबा का आइडल बनाया, इसको मैं घर में रखूँगा, पूजा करूँगा, इसी के लिए इसी पर्पज़ से मैंने इसको बनाया है। इसको मुझे किसी ने बनाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मैं घर में इसको पूजा करना है इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आउटलाइन कर लिया हमने। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है इसको समझने में तो आप मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से हम इसको कलर कर लिए हैं, तिलक वगैरह लगा दिया है, लिप्स वगैरह कलर कर लिया है और आँख का डिटेल हमने फिल कर दिया है। देखिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर आपको फास्ट लगे तो मैं फिर कहूँगा कि आप थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर लें, उसके बाद देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह से देखिए बाबा शाम का जो मैंने ये कलर किया वो कंप्लीट हो गया, अच्छे से कलर हो गया। अब हम लोग इसको सजाएंगे। मैंने कुछ ऑर्नामेंट बनाए हैं, पेपर प्लेट जो होता है ना फ्रेंड्स, पार्सल प्लेट, उससे ये देखिए कुछ इस तरीके से बनाए स्टोन्स वगैरह लगा के। अगर आप चाहते हैं कि इसका वीडियो भी आपको मैं दूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं इसको बनाने का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैं इतना एक्साइटेड था कि पहले ही मैं एक लगा दिया हूं, ये देखिए इस तरीके से, और मैं आपको निकाल के वापस से लगा करके इसको दिखाऊँगा। तो अभी ग्लू गन हॉट हो गया है, अभी हम इसमें जो इनका ऑर्नामेंट्स है वो मैं लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो ग्लू लगा लेंगे इसमें, और ये वीडियो मेरी बेटी कर रही है लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाई है, कुछ वीडियोस वो दिखाई नहीं पाई मेरे से बात करने के चक्कर में। ये देखिए मैं इस तरह से चिपका रहा हूँ, अच्छे से वीडियो नहीं हो पाया है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि स्टैंड ले लूँ और जो भी चीज़ बनाऊँ आपको अच्छे से दिखाऊँ। तो आज तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है वीडियो करने में, इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी अपील करता हूँ आप सबसे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इनका ऑर्नामेंट्स लगा दिया है। लाइट भी चली गई थी एक बार को। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि बाबा शाम का ये जो आइडल मैंने बनाया है ये कैसा बना है। मैं तो इसके बैकग्राउंड में कुछ अलग ही म्यूज़िक, बाबा शाम का म्यूज़िक देने वाला था, लेकिन शायद उसमें कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए मैं ये विदाउट कॉपीराइट म्यूज़िक यूट्यूब स्टूडियो से लिया हूँ और इसको डाला है इसमें। देखिए ये वीडियो पता नहीं किधर हो रहा है, शायद वो हम लोग बात कर रहे थे और वीडियो इधर से उधर हो गया है, पर कोई बात नहीं, मैं फाइनल लुक आपको दिखा रहा हूँ। देखिए फाइनली कैसे लग रहे हैं हमारे बाबा श्याम, ये देखिए उसे लगा दी हूँ मैंने, सारा ऑर्नामेंट चिपका दिया इससे। आप चाहें तो फेविकोल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जल्दी और मजबूती के लिए फेवी स्टिक ये ग्लू गन से ही सही है। तो ये देखिए फाइनल लुक बाबा श्याम का, और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि ये कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को बनाने में मेरे से जो भी गलतियाँ होंगी इसके लिए मैं आपसे सॉरी की अपील करता हूँ। ये देखिए ये लेसेस था जो मैं इसमें लगाया हूँ, ये फाइनल लुक है हमारे बाबा श्याम का। एक बार प्लीज़ लिख दीजिए जय श्री श्याम। Thank you friends, thank you for watching.